राधे अरे भाई बस राधे करो, सर जी। अब करना आपको भी ये है। क्लास स्टार्ट होने को है। क्लास विल स्टार्ट नाउ। नाउ नो टॉकिंग, नो गुड मॉर्निंग। अब केवल क्लास होगा, ठीक है? यस गुड सर, मॉर्निंग यस सर। सर, गुड। अरे भाई यस सर। लेट हो गया है, क्लास होने दे। सर लिखवाइएगा नहीं कुछ सर। बहुत लेट हो गया सर। सर 20 मिनट क्या कर रहे थे, इतना लेट हो गया? सिस्टम ऑन होने में 10 मिनट लग थोड़े जाता है थे, ना, दस बारह ठंडा है ना मिनट सिस्टम, ही ठंडा जाता है। बच्चे आते रहते हैं सर। हाँ, सिस्टम ऑन होगा तब तो क्लास कंटिन्यू हो पाएगा। सिस्टम ऑन होने में सारे रिसोर्स बात हो रहा है, यूज देख रहे AMD हो? पर स्विच कर जाइए सिस्टम सर। ठंडा गया। इस पे राइजन अच्छा, सर 10 मिनट अरे पहले भाई से अभी स्टार्ट कोई कीजिए एडवाइस सर। ना दो, क्लास के याद बाद करो, एडवाइस माइक्रोफोन ले लीजिए दो। सर। म्यूट राइजन फास्ट कीजिए, चलाओ। सुनो, क्लाउड कंप्यूटिंग का जो, सुन अभिषेक लीजिए। बहुत बोल रहा है। अभिषेक सर अब सुपर बातचीत कोई कंप्यूटर बच्चा सर, नहीं सभी को म्यूट कर करेगा। दीजिए सर, सभी को म्यूट कर दीजिए। सबको अब मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। कोई बात म्यूट कीजिए नहीं, सर। नहीं सर नहीं कीजिए, नहीं कीजिए, थोड़ा हल्ला कल्ला खोल गुड ले रहे मॉर्निंग हैं। सर। हाँ सर म्यूट कीजिए सबको। कर दिए। आवाज कहां से आ रही है? हाँ, तो जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट क्या होगा? क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट ये हुआ कि व्हाट एवर द थिंग्स, इफ आई वांट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, ऑन द इंटरनेट। आज जैसे हम लोग मार्केट से कोई चीज परचेज करते हैं तो ऑनलाइन हम परचेजिंग कर लेते हैं, और मार्केट से हम वो चीज ऑनलाइन घर पे डिलीवरी हो जाती है। तो आज के डेट में अगर कोई आदमी, इफ आई वांट टू ओपन ए सॉफ्टवेयर कंपनी, इफ आई वांट टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर कंपनी, देन वी कैन डू इट, देन वी कैन डू इट। क्या है? एवरी रिसोर्स इज अवेलेबल, एवरी रिसोर्स इज अवेलेबल ऑन द रेंट। सब कुछ आपको रेंट पे उपलब्ध है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द रेंट। जैसे अगर हम एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं, एक कंपनी हम खोलना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर की एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं, हमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए। रेंट का मतलब होता है किराए पे कि हमने उसको यूज किया, फिर जब उसका यूज खत्म हो गया तो हमने उसको वापस कर दिया। रेंट का मतलब ये हुआ कि कोई चीज को हमने किराए पे परचेज किया, किराए पे फॉर ए लिमिट पीरियड ऑफ टाइम हमने उसको लिया, और जब काम कंप्लीट हो गया तो फिर हम उसे वापस कर दिए, फिर हम उसे क्या किए, वापस कर दिए। तो जैसे हम लोग को आज कहीं जाना होता है तो ऑटो से जाते हैं कि नहीं? किराए पे कहीं जाना होता है तो बाय कार जाते हैं कि नहीं? कहीं जाना होता है तो बाय रेलवे जाते हैं कि नहीं? कि हम लोग रेलवे को खरीद लेते हैं। रेलवे को खरीदते तो नहीं है, रेलवे को हम खरीदते तो नहीं है। वी आर ओनली बाइंग ए टिकट फॉर सम डिस्टेंस, वी आर बाइंग ए टिकट फॉर आवर ट्रेवलिंग, ठीक है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हुआ? द क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टर्मिनोलॉजी थ्रू विच वी कैन हायर ए रिसोर्स ऑन द रेंट प्रोसेस। कोई भी रिसोर्स को हम रेंट प्रोसेस पे हायर कर लेते हैं, कोई भी रिसोर्स को हम रेंट प्रोसेस पे हायर कर लेते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब कि अगर कोई चीज हमें परचेज करनी है, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वेब सर्वर है, चाहे कुछ हमें परचेज करना है और हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, आई हैव नो सच अमाउंट ऑफ मनी दैट आई कैन परचेज ए रिसोर्स, देन व्हाट आई कैन डू, देन व्हाट आई कैन डू।
आई कैन डू नथिंग. तो क्या करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स ए वे, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स ए वे टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज, टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज. जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हमें सारा रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है. क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण सारा रिसोर्सेज हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है. ठीक है, हमें चाहे हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज चाहिए, इंटरनेट चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स चाहिए, व्हाट एवर द रिसोर्सेज वी वांट टू रन आवर एप्लीकेशन, दैट वी विल गेट थ्रू द क्लाउड कंप्यूटिंग. और क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है रिमोटली का मतलब आप समझो कि हम दूर से बैठे बैठे अपने सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर हमें चाहिए और उस सॉफ्टवेयर हमें नहीं मिल पा रहा है, तो दूर बैठे जिस कंपनी से हमारा टाइप रहेगा वो कंपनी हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के काम में आएगा. जिस कंपनी से हमारा टाइप रहेगा वो कंपनी से हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो अब और सुन लो. मैंने कल बताया था क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशन एंड सर्विसेज. इफ वी वांट टू डेवलप ए न्यू एप्लीकेशन और सर्विसेज, एप्लीकेशन का मतलब ये होता है जैसे हम वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग ऑन कंप्यूटर, ऑन लैपटॉप, ऑन वेब ब्राउजर, दैट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन. और सर्विसेज का मतलब जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता हो. क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम लोग स्टोरेज का काम कर सकते हैं, बैकअप का काम कर सकते हैं एंड रिकवरी ऑफ डेटा करते हैं. स्टोरेज का मतलब आज हम कोई भी काम करते हैं, आज हम डेटाबेस पे काम करते हैं. आज सुनो, आज के डेट में इन करंट सिनेरियो डेटा इज ए वेरी क्रूशियल पार्ट. डेटा बहुत क्रूशियल पार्ट है और डेटा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए. आज के डेट में डेटा प्लेज एन वेरी वाइटल रोल. अगर डेटा नहीं होगा तो कोई भी इंडस्ट्री के लिए सर्वाइव करना इट इज वेरी डिफिकल्ट. कोई भी इंडस्ट्री के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. तो डेटा को बचा के रखना है. आज सोचिए आप लोग, आज आप फेसबुक पे काम करते, व्हाट्सएप पे काम करते, जीमेल पे काम करते. जीमेल पे आपका मेल 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, जब से आप जीमेल यूज करते हैं, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी ह्यूमन बींग जो अभी जीमेल यूज कर रहा है, तो अगर 15 साल पुराना ईमेल, पुराना साल पहले 15 साल पुराना ओल्डर टू ओल्डर मेल्स को भी ढूंढने की कोशिश करेगा, खोजेगा, तो वो जीमेल में रखा रहेगा. वो कहाँ रखा रहेगा, जीमेल में वो चीजें रखी होंगी. तो क्या हुआ, जीमेल क्या काम करता है, स्टोरेज का काम कर रहा है कि नहीं. आज सारे बच्चे जो स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं सबका बैकअप गूगल पे है कि नहीं, सारे लोगों का कि उसमें कितने कॉन्टेक्ट नंबर है. तो गूगल एक तरीके से क्या कर रहा है, गूगल वर्क्स एज ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस. गूगल वर्क्स एज ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस. हेलो, हाँ बोलो. शुक्ला सर से बात कर लो, बता देंगे अमित शुक्ला सर. ठीक है, ओके. तो
तो ये हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट, सारा चीजें स्टोरेज, समझ गए आप लोग? बैक स्टोरेज का मतलब, आज सारे बच्चों जो भी स्मार्टफोन रखते हैं सबका बैक स्टोरेज कहाँ पे रहता है, सबका बैकअप कहाँ पे रहता है? स्टोरेज का मतलब जहां पे रखा होता है। तो आपके मोबाइल के अंदर जितना भी कॉन्टेक्ट नंबर है, जितना भी मैसेज है, जितना व्हाट्सएप कॉल्स है, व्हाट्सएप वीडियो है, सबका स्टोरेज तो आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में स्टोरेज तो रखा हुआ है, लेकिन उसका बैकअप कहाँ पे रखा हुआ है? गूगल पे रखा हुआ है। उसका बैकअप कहाँ पे रखा हुआ है? गूगल पे रखा हुआ है। तो स्टोरेज क्लाउड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं, बैकअप भी करते हैं, एंड रिकवरी ऑफ डेटा करते हैं। रिकवरी ऑफ डेटा का मतलब रिकवरी ऑफ डेटा का मतलब कि हम लोग डेटा को भी रिकवर करने का काम करते हैं। जैसे किसी कारण से डेटा क्रैश कर गया, किसी कारण से डेटा लॉस कर गया, तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम लोग रिकवर करने के काम में भी आते हैं, उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रिकवर भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड। डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड का मतलब ये हुआ कि कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारी हमें हम काम कर रहे हैं पटना में, हम काम कर रहे हैं पटना में, लेकिन कोई पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत है, कोई पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत है, कोई पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत है। हेलो, हाँ जितेंद्र जी से बात करो, जितेंद्र जी बता देंगे, जितेंद्र जी इनको पास बोलो, बोलो तो इस बात को ऊपर बोल दो फिर, हैं? ऊपर मतलब समझ गए हो, नाम नहीं बोलना चाहता मैं, तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तुम बीसीए के बच्चे हो ना, ठीक है तब बोलो। अब हुआ इसमें हम लोग बैकअप प्रोवाइड करते हैं। हेलो, हाँ कल बोल दिए थे, दिए नहीं करते थे क्या, हम कल शाम 3 बजे बोल दिए थे उनको, जितेंद्र जी को नहीं दिए, वो कहे कि डायरेक्टर से हम रात में बात करेंगे तब फिर बताएंगे, तो क्या बोले फिर। नहीं तो अभी एक बच्चा फोन किया कि जितेंद्र जी को फोन किए तो कह रहे हैं कि हम क्या करें, टीचर करेगा, हम क्या करें, तब बताओ हैं। हाँ हाँ सुनो, अब आप लोग देखो, डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड, केयरफुली इस बात को सुनना। जैसे मैं अभी पटना में बैठ के काम कर रहा हूं किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, मैं पटना में काम कर रहा हूं किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, और मान लीजिए वो सॉफ्टवेयर एक्सपायर कर गया, सॉफ्टवेयर का कोई वर्जनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सॉफ्टवेयर में कोई पेज सॉफ्टवेयर का कोई पैकेज कोई चीज है जिसमें सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, और वो कंपनी जो जिसका सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं उसका हेड ऑफिस है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, बेंगलोर में, दिल्ली में, यूएसए में, हम चाहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर हमें मिल जाए, वो सॉफ्टवेयर हमें मिल जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर हमें मिल जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस सॉफ्टवेयर के लिए हम क्या करेंगे कि हम कंपनी को पे कर देंगे पैसा ऑनलाइन। क्लाउड, देखो
जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी रिसोर्स प्रोवाइड करता है ऐसी हेलो जितेंद्र सर से बात कर लो, जितेंद्र सर बता देंगे। तो सॉफ्टवेयर हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वो मेरे सिस्टम को जो कंपनी है वो मेरे सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करेगा। कंपनी क्या करेगा, उस सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करेगा। तो मेरा सिस्टम पटना में ही है लेकिन बंदा बेंगलोर में बैठा है, यूएसए में बैठा है, जिस कंपनी का हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो मेरे सिस्टम को एक्सेस कर लेगा। सिस्टम को एक्सेस करने का क्या तरीका है, मान लीजिए मेरा सिस्टम इंडिया में है, इंडिया में भी पटना में है, और मेरे सिस्टम को कोई बंदा यूएसए में, यूके में, बेंगलुरु में एक्सेस करना चाहता है, तो व्हाट इज द वे, उसका तरीका ये है कि वो आईपी एड्रेस के थ्रू, मेरे सिस्टम का जो आईपी एड्रेस होगा उसके थ्रू वो सिस्टम को एक्सेस करने के काम में आएगा। आईपी एड्रेस के थ्रू क्या होगा, सिस्टम को एक्सेस करेगा। आईपी एड्रेस मेरे सिस्टम का, वो आईपी एड्रेस हम उसे बताएंगे, उसके बाद आई विल शेयर द आईपी एड्रेस ऑफ माय सिस्टम टू दैट पार्टिकुलर कंपनी एम्प्लॉय, एंड आफ्टर शेयरिंग माय आईपी एड्रेस, जब उसे आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो उस आईपी एड्रेस के थ्रू मेरे सिस्टम को रिमोटली, बहुत बच्चों ने पूछा कि रिमोटली क्या होता है, रिमोटली का मतलब दूर से, रिमोटली का मतलब दूर से, तो रिमोटली एक्सेस कर लेगा। रिमोटली क्या करेगा, मेरे सिस्टम को वो एक्सेस करेगा, और जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, वो सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम का अपडेट कर देगा, और जो भी पे करना है ऑनलाइन मोड में वो हम पे करेंगे। तो क्या हुआ, हमारा सिस्टम अपडेट भी हो गया, माई सिस्टम हैज बीन अपडेटेड विदाउट कमिंग द पर्सन ऑफ दैट पार्टिकुलर कंपनी बॉय। क्या उस कंपनी के लोग आए हमारे पास, नहीं आए ना, वो रिमोटली एप्लीकेशन को मेरे सिस्टम में डाल दिए। इसको बोलते हैं रिमोटली एक्सेस करना। जो हम कुछ बच्चों ने पूछा रिमोटली क्या होता है, यही रिमोटली होता है कि दूर से ही एक्सेस कर लेना, ठीक है। अब है व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज क्यों होता है, व्हाई वी आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज इसलिए होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल आई हैव ए स्पेस। अगर मेरे पास केवल स्पेस है तो आई कैन ओपन माई ओन सॉफ्टवेयर कंपनी, आई कैन ओपन माई ओन सॉफ्टवेयर कंपनी। सब चीज हमें रेंट पे हायर हो जाएगा, सब कुछ हमें रेंट पे हायर हो जाएगा, चाहे एप्लीकेशन हो। एप्लीकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर से है, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर से है। सॉफ्टवेयर हो, स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब डेटाबेस। जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं, कंप्यूटर में 200 GB, 300 GB, 400 GB, 1 TB में स्टोरेज है। लेकिन आप सोचो जीमेल एक दिन में कितना डेटा पॉपुलेट करता होगा, क्या वो एक पार्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इतना डेटा आ जाएगा। फेसबुक एक दिन में कितना डेटा जनरेट करेगा, याहू एक दिन में कितना डेटा जनरेट करता है, यूट्यूब एक दिन में कितना डेटा जनरेट करता है, ये सब एप्लीकेशन एक एक दिन में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स डेटा जनरेट करते हैं, मिलियंस टू बिलियंस गीगाबाइट्स डेटा जनरेट करते हैं। फेसबुक, याहू, यूट्यूब, जूम एप्लीकेशन जिससे आप पढ़ रहे हैं, इसमें भी काफी सारा डेटा जनरेट होता है। तो क्या ये डेटा एक हार्ड डिस्क में रह लेगा, एक डेटा स्टोरेज पे रह जाएगा, तो कंपनीज के लिए प्रॉब्लम है। तो कंपनीज क्या करती है, डेटा बेस के लिए, स्टोरेज के लिए, वो भी हार्ड डिस्क,
हार्ड डिस्क कह सकते हैं, स्टोरेज एरिया कह सकते हैं, परमानेंट स्टोरेज बोल सकते हैं, उसको वो रेंट पे हायर करती है। और मैंने क्लास में आपको बताया था जो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है, वी कैन हायर एनी थिंग ऑन रेंट, एनी एप्लीकेशन ऑन रेंट, हम लोग सब कुछ समझ रहे हो। हेलो, आप लोग को अनम्यूट किए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं? यस सर, इसकी आपका आईपी एड्रेस नहीं आ रहा था, आईपी एड्रेस नहीं आ रहा था, एक एक करके बोलो। आईपी एड्रेस क्या होता है सर? कहाँ चलेगा थ्री हंड्रेड का क्यों है? सुनो, अब ऑन है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन। अब पूछो क्या क्या क्वेश्चन है आप लोग का। आईपी एड्रेस किसे फाउंड करता है? आईपी एड्रेस सुनो, पहले सारे बच्चे चुप हो जाओ। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होता है सर? पहले आईपी एड्रेस मैंने बताया था। आईपी एड्रेस क्या होता है? थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सबका इंडिविजुअल आईपी एड्रेस होता है। जैसे अगर हम शांत रहो, जैसे अगर हम लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं और साथ में मोबाइल पे भी काम कर रहे हैं, तो दोनों डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग होगा। बात मेरी समझ रहे हो सर? इसको डिफाइन कैसे करेंगे आईपी एड्रेस को? आईपी एड्रेस का एक रेंज होता है जो नेटवर्किंग में आप पढ़ेंगे सर। आईपी एड्रेस का रेंज होता है भाई 128.128.128.128.6 लेके 256.256.256.256। इसी के रेंज में हमने क्या बोला, सुनो, वो तो रेंज होता है ना सर, वो होता क्या है क्या? जैसे देखो, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसमें होता क्या है, कि जितना भी सिस्टम ऑनलाइन जुड़ा हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसमें भी इंटरनेट है, विदाउट इंटरनेट आईपी एड्रेस जनरेट नहीं होता है। जैसे आपके कॉलेज में के लैब में अगर 100 सिस्टम पे इंटरनेट चल रहा है, तो हर सिस्टम का आईपी एड्रेस अपना अपना होगा, हर सिस्टम का आईपी एड्रेस इंडिविजुअल होगा। तो आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं क्या कहे? हाँ, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आईपी एड्रेस कभी भी दो डिवाइस का, मतलब एक आदमी अगर 10 डिवाइस पे इंटरनेट चला रहा है, मान लीजिए एक लैब में 100 कंप्यूटर है और एक वाईफाई से भी चल रहा है, तो सब सिस्टम का आईपी एड्रेस अलग अलग होगा, सर जो हेड्रेस क्या सर, आईपी एड्रेस से फायदा क्या हल्ला हो रहा है सर? सर जो हेड्रेस से फायदा क्या पीछे का बोलनी पहले सर, इसीलिए आईपी एड्रेस का फायदा क्या है सर? आईपी एड्रेस का फायदा क्या है कि अगर सब सिस्टम में देखो, अगर आईपी एड्रेस एक हो जाएगा तो हर सिस्टम का एप्लीकेशन एक दूसरे से कोलाइड करने लगेगा। एक आप, क्योंकि देखो आप कहते हो कि रोड पे हम लोग एक दिशा में चलते हैं, दूसरे दिशा से दूसरी तरफ की गाड़ी आती है, एक ही दिशा में क्यों नहीं चल जाते? क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर होता है। और आईपी एड्रेस से ये फायदा होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम दुनिया में अगर कोई हमको कोई मैसेज किया
कोई भी हमें कोई थ्रेटनिंग मैसेज किया, कोई गलत मैसेज किया, तो हम पकड़ लेंगे कि ये किस सिस्टम से मैसेज आया है और किस कंट्री के, किस शहर के, किस लोकेशन से और किस पार्टिकुलर सिस्टम से, चाहे मोबाइल से हमें ये थ्रेटनिंग मैसेज आया है। उसके बाद सर एक क्वेश्चन है सर, इसका प्रोसेस क्या है ये निकालने का, पता करने का प्रोसेस? ये सर प्रोसेस क्या है, बन जाएगा अभी ये पता करने का प्रोसेस हेलो एक्सक्यूज मी सर, नेटवर्किंग का क्वेश्चन यहाँ काला पूछ रहा है ये सर, जो हेडरेज किया उससे पूछिए ना सर, ये बीच में हल्ला हो रहा है सर। यस सर ठीक है, म्यूट कर मोबाइल में भी होता है, म्यूट कीजिए, वन बाय वन नाम लेके बुलाइए सर, सबको म्यूट करिए सर, ऐसे नहीं होता ये, जब म्यूट होता है सर, किसी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन का जरूरी है। क्या कहे? किसी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, जैसे आप बोले थे पटना में मैं कोई डिवाइस चला रहा हूँ, उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड किया हूँ और उसको एक्सेस किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है कहीं भी अमेरिका में या कहीं भी किसी लोकेशन से, तो उसका एप्लीकेशन का डाउनलोड करना जरूरी है, ऐसे कोई जरूरी एक्सेस नहीं हो सकता है सर, बिना आईपी एड्रेस के एक्सेस नहीं हो सकता। आईपी एड्रेस के ही द्वारा सर, जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो और आईपी एड्रेस रहेगा तो एक्सेस हो जाएगा ना सर। हाँ आईपी एड्रेस देखो, जैसे भी हम किसी भी सिस्टम में इंटरनेट जैसे ही चलाए, ध्यान देना इस बात को, जैसे हम किसी सिस्टम में इंटरनेट एक्टिव किए, उस सिस्टम का आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि एवरी सिस्टम हैज इट्स ओन आईपी एड्रेस। अगर इस दुनिया में 100 बिलियंस या 100 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल रहा है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो हर डिवाइस का अपना इंडिविजुअल आईपी एड्रेस होगा, कोई भी दो डिवाइस का सेम आईपी एड्रेस थ्रू आउट द वर्ल्ड नहीं हो सकता। थ्रू आउट द वर्ल्ड दो डिवाइस का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। सर किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस कैसे पता लगाएंगे सर, कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस? जैसे अपने सिस्टम पे जाओगे, नेटवर्क पे, इंटरनेट पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, वो दिखा देगा। नेटवर्किंग का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार, नेटवर्किंग का क्वेश्चन मुझसे क्यों ज्यादा रेज कर रहे हो, मुझसे जो सर कौन पढ़ा रहा है तुम लोग को नेटवर्किंग? सर म्यूट कीजिए ना सर, ठीक है कर दिया, म्यूट करिए ना सर, ये लोग नहीं सुधरेगा सर। एक्सक्यूज मी सर, कर दिया म्यूट, अब कीजिए सर, हो गया सर। अब देखो व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, सुन लो। A small as well as large IT companies follows the traditional methods to provide the IT infrastructure. That means for any IT company, we need a server room. That is the basic need of IT company. सुनो, कोई IT company है उसके लिए क्या चाहिए, सर्वर रूम चाहिए। कोई आईटी कंपनी है उसके लिए सर्वर रूम चाहिए, लेकिन अगर सर्वर रूम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, स्पेस मेरा छोटा है, सर्वर रूम मेरे छोटा है, तो क्या करेंगे, सब कुछ को हम रिमोटली रख लेंगे। मैंने क्या बताया, क्लाउड में हर चीज को रिमोटली रख सकते हैं, डेटाबेस सर्वर को भी हम किसी दूसरे लोकेशन पर रिमोटली रख लेंगे, सर्विसेज को भी रिमोटली रख लेंगे, नेटवर्किंग को भी रिमोटली रख लेंगे, सर्विसेज को भी रिमोटली रख लेंगे, और जब काम करने की जरूरत पड़ेगी तो सबको हम एक्सेस कर लेंगे, सबको हम क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे, सारे सर्विसेज को हम लोग एक्सेस कर लेंगे, चाहे डेटाबेस स्टोरेज हो, चाहे एप्लीकेशंस हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे सर्विसेज हो, सबको हम क्या करेंगे, एक्सेस करने का काम करेंगे। देखो सर्वर रूम में क्या क्या होता है, इन दैट सर्वर रूम देयर शुड बी डेटाबेस सर्वर, मेल सर्वर, नेटवर्किंग, फायरवॉल्स, रूटर्स, मोडेम, स्विचेज। रूटर्स की राउटर्स, 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 मोडेम, स्विचेज, ये सब चीजें
सर्वर रूम के अंदर रखी होती है, लेकिन अगर सर्वर रूम के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए और हमारे पास सर्वर रूम के लिए स्पेस नहीं है, हमारे पास सर्वर रूम के सारे सामान के लिए डेटाबेस सर्वर के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े डेटाबेस सर्वर करोड़ों रुपयों में आते हैं, एक दो पैसे नहीं आते, जिनकी कीमत करोड़ों रुपया होती है। तो हम लोग क्लाउड के थ्रू क्या करते हैं, सबको हम लोग रेंट पे हायर कर लेते हैं। क्या करते हैं, रेंट पे हायर कर लेते हैं कि भैया हम 6 महीने यूज करेंगे, इसका रेंट क्या लोगे, हम आपकी मेमोरी यूज करेंगे 1 TB, इसका रेंट क्या लोगे, आपका फायरवॉल हम 6 महीने यूज करेंगे 8 महीने, इसका रेंट क्या लोगे, आपका राउटर्स यूज करेंगे 1 साल, इसका रेंट क्या लोगे। तो सब कुछ रिसोर्सेज हमें रिमोटली प्रोवाइड हो जाता है, सारे रिसोर्सेज हमें क्या होता है, रिमोटली प्रोवाइड हो जाता है, और एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द रेंट। इसमें चीजें हम परचेज नहीं करते, हम क्या करते हैं, रेंट पे यूज करते हैं। जैसे आप सिंपल सी बात है, क्या मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल आइडिया का हो, रिलायंस का है, जियो का हो, वोडाफोन का हो, तो क्या हम उसको खरीद लेते हैं, कोई जियो का परमानेंट हो जाता है कि हमने 10,000 का भरवा लिया पूरे जीवन चलेगा फ्री, ऐसा होता है क्या? नो सर। करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए पैकेज लेते हैं, उस पैकेज के बाद वो सर्विस बंद हो जाती है, बंद होती है कि नहीं होती है सर। वही क्लाउड का कंसेप्ट है, आपने रेंट पे लिया कि भाई 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए 2 साल के लिए 3 साल के लिए 4 साल के लिए लिया रेंट, और जैसे आपका रेंट पूरा हुआ, टाइम पूरा हुआ, आपने आपकी सर्विस रोक दी गई। तो कंपनीज क्या करती है, मान लीजिए डेटाबेस सर्वर खरीदना है, कोई डेटाबेस सर्वर लगाना है, उसकी कीमत मार्केट में 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ रुपया हर कंपनी खर्च नहीं कर सकती, मिडिल लेवल कंपनी, लो लेवल कंपनी, जो छोटी कंपनी वो खर्च नहीं कर सकती, बड़ी कंपनी खर्च कर सकती है। तो छोटी कंपनी क्या करती है, भाई 200 करोड़ की चीज है, उसका रेंट कितना हुआ, 50 लाख रुपीज महीना रेंट हो गया, ले लो 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो साल 2 साल में उसको 10 करोड़ देना पड़ा, और अगर नया खरीदता तो 200 करोड़ देना पड़ता, तो कौन उसके लिए सही था, पहला वाला सर, 2 साल वाला। हाँ, तो क्लाउड कंप्यूटिंग यही कंसेप्ट हो गया कि सब कुछ आप ले सकते हैं, इंटरनेट भी रेंट पे, नेटवर्किंग भी रेंट पे, स्टोरेज भी नेटवर्क, मेमोरी भी, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी, सॉफ्टवेयर भी, सब कुछ आपको रेंट पे मिल सकता है फॉर ए टाइम पीरियड, फॉर ए टाइम पीरियड। समझ गए जी सर, कुछ समझ में आया कि ऊपर से चली गई सारी बातें? नहीं सर, बीच से गई। ठीक है, मेरी नेक्स्ट क्लास है सर, कोई पीडीएफ है तो भेज दीजिएगा सर ग्रुप में। ठीक है, वो तो भेज देंगे जी सर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।